नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। देखिए, बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं बहुत सारा, लेकिन उनके वीडियोस पे व्यू नहीं आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि आखिर आपके वीडियोस पे व्यू क्यों नहीं आते हैं, आप ऐसा क्या गलती करते हैं। देखिए, व्यू उन्हीं वीडियो पे आते हैं जो वीडियो रैंक करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला इसी के ऊपर कि आखिर आपके वीडियोस रैंक कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके वीडियो रैंक किए तो ऑटोमेटिक आपको व्यू मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको ऐसे ढेर सारी चीज बताऊंगा जिससे आपके वीडियो रैंक करे और आपको ढेर सारे व्यू मिले। तो ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहला चीज होता है आपके वीडियो को यूट्यूब भी चाहता है कि आप ग्रो करें, आपका चैनल ग्रो हो, आपके वीडियोस पर व्यू आए। लेकिन आप लोग यानी कि हम लोग ही ऐसा कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा वीडियो रैंक नहीं करता है, हमारे वीडियो को रैंक नहीं करवाता है यूट्यूब, जिससे हमें व्यू नहीं मिलता है। तो हम ऐसा क्या गलती करते हैं और हमें क्या करना नहीं चाहिए, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब यूट्यूब को ओपन करते हैं तो आपके सामने नीचे में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिन वीडियोस को यानी जिन चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन चैनल्स के वीडियोस आपको दिखाया जाता है। आखिर क्यों, यानी कि देखिए ये सब कैसे होता है। कभी न कभी आपने उस चैनल को, देखिए यहाँ पे एक चीज आता है कि वो जो वीडियो आपको दिखाया गया है उस वीडियो को यूट्यूब प्रमोट कर रहा है, लेकिन क्यों प्रमोट कर रहा है उसको। ओके, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, तो जिस वीडियो को भी आपको दिखाया जाता है उस वीडियो को उस यानी कि उस चैनल में आपने किसी न किसी वीडियो के उस चैनल को आपने देखा होगा और आपने उस चैनल उस वीडियो को मिनिमम 50% देखा होगा। यानी कि इससे यूट्यूब को यही लगा, देखिए यूट्यूब के एल्गोरिथम को यही सेट किया गया है कि यही लगता है उनको कि जब भी किसी वीडियो के ऊपर अगर 50% से ज़्यादा अगर उसको कोई वॉच टाइम देता है तो यानी कि उसको यही लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी अच्छा कंटेंट है और लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को और भी रिकमेंड करना चाहिए। देखते होंगे आप लोग कि आपके वीडियोस पे रिकमेंडेड आते हैं, रिकमेंडेड वीडियोस, सजेस्टेड वीडियोस, कभी कभी आपको नोटिफिकेशन भी आते हैं रिकमेंडेड वीडियोस को। तो यानी कि इसी का मतलब होगा कि यूट्यूब उन वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। ओके, यानी कि यूट्यूब उसी वीडियो को प्रमोट करेगा जिस वीडियो का वॉच टाइम मिनिमम 50% से अधिक होगा। इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि आपका जो वीडियो बनाते हैं उसमें इंगेज करके रखें अपने व्यूअर्स को कि आपका वीडियो को पूरा वॉच करें, जितना वॉच करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये लगेगा कि इनके वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट है, इनको प्रमोट किया जाए। ओके, ये चीज़ होता है पहला चीज़ कि आपको अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करके रखना है, थंबनेल ऐसा कुछ बनाना है। यानी देखिए, थंबनेल में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपना वॉच टाइम पे ध्यान दें तभी आपका वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करेगा। सेकंड आता है आपका वॉच टाइम, जैसे मैंने आपको बताया आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो कोशिश करें अपने व्यूअर्स का ध्यान अपने ओर आकर्षित करें, उनको अट्रैक्ट करें और अपने वीडियो में मिनिमम 50% तक उनको ला करके रखें। यानी ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो पर क्लिक किया और थोड़ी देर में कुछ सेकंड में कुछ मिनट में बाहर निकल गए, ऐसे में आपका वीडियो रैंक बिल्कुल नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें। ओके, सो आप प्लीज़ कोशिश करें अपने व्यूअर्स को ऐसा कुछ कंटेंट दें कि आपके व्यूअर्स आपके वीडियो पे आने में आए भी और उनको पूरा का पूरा वॉच भी करें। ओके, सो इस वीडियो को भी यूट्यूब प्रमोट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट हमारा आता है कि और भी किन किन वीडियोज़ को यूट्यूब प्रमोट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर टैग्स, टैग्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाते हैं, टैग्स देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टैग को फिल नहीं करेंगे तो आपका वीडियो रैंक नहीं कर पाएगा। ओके, देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या SEO चलता है वहाँ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा आप वहाँ पे टैग सेट करेंगे उसके हिसाब से वीडियो को रैंकिंग करवाएगा यूट्यूब। ओके, सो टैग को फिल करना बिल्कुल कंपलसरी, उसको अच्छे से फिल करें ताकि वीडियो आपका रैंक होने में आपको काफ़ी हेल्प मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टाइटल, टाइटल को भी कुछ अच्छा लिखें ताकि देखिए टाइटल के साथ ही आपका होता है थंबनेल, थंबनेल को भी कुछ ऐसा यूनिक बनाएं, कुछ ऐसा डिफरेंट बनाएं ताकि लोग आपको थंबनेल को देखकर ही आपके वीडियो में स्विच हो जाएं और आपके वीडियो को वॉच भी करें। यानी कि आपको वहाँ से वीडियो देखिए, अगर आपने मान लें किसी ने आपको वीडियो को क्लिक किया और आपके वीडियो पे चले गए और आपके वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा तो आपको व्यू तो मिला है, साथ में आपको हो सकता है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, यानी कि आपका व्यू भी मिल गया, आपको सब्सक्राइबर भी वहीं से मिलेगा, बात को ध्यान रखें, यानी कि आपका दोनों काम होने वाला है। इसलिए आप ध्यान रखें अपने थंबनेल के ऊपर कि आपके थंबनेल को एकदम अच्छा बनाए, एक यूनिक बनाए। और नेक्स्ट चीज़ ध्यान दें अपने कंटेंट के ऊपर, देखिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप थंबनेल में आपने कुछ और लिखा था और वहाँ पर कंटेंट कुछ और डाल दिया, ऐसे में आपके पास व्यूअर तो आएंगे लेकिन पूरा उसको वॉच नहीं करेंगे, ऐसे निकल जाएंगे, यानी कि उन वीडियो को यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा। देखिए इसलिए जब भी वीडियो को बनाए तो थंबनेल में जो लिखे उसी में कंटेंट के अंदर दिखाए। ओके, इस देखिए ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और मैं भी ये गलती करता था। देखिए गलती हर कोई करता है, गलती कौन नहीं करता, गलती हर कोई करता है, लेकिन आपको उस गलती को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव। ओके, जितना आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को उतना आपका चैनल ग्रो होगा, उतना आपका वीडियोस पे व्यू आएंगे। ओके, सो ग्रो करना है तो आपको चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है।
ओके तो इन सभी चीजों को आप भी एक बार ट्राई कीजिए। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी वीडियोस भी रैंक करेंगे और आपको भी वहां से बहुत सारे व्यू मिलेंगे एंड सब्सक्राइबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके सो मैं डेफिनेटली आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। सो अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।